आप देख रहे हैं संविधान और कानून एसके लाइव न्यूज। मधेपुरा जिला अंतर्गत किशनगंज प्रखंड से इन दिनों बिहार में अपराधियों की मनोबल बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अब वो पुलिस पर भी गोली चलाने से नहीं हिचकते हैं। ताजा मामला मधेपुरा के उदा किशुनगंज अनुमंडल क्षेत्र के नेमुआ बराही गांव का है, जहां आज सुबह करीब 9 बजे बाइक सवार अपराधियों ने उदा किशुनगंज थाना पुलिस टीम पर गोली चला दी, जिसमें एक गोली PSI पप्पू कुमार की बाह में लगी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए और आनन फानन में उन्हें PSC लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें मधेपुरा जननायक कपूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया। वहीं घायल PSI को देखने मेडिकल कॉलेज पहुंचे मधेपुरा पुलिस कप्तान राजेश कुमार ने घटना के संबंध में बताया कि आज सुबह पुलिस को सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी अपराध की घटना को अंजाम देने के लिए जा रहे हैं, जिस पर सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गश्ती में तैनात पुलिसकर्मी को तत्काल मौके पर नेमुआ गांव भेजा गया। इसी बीच पुलिस द्वारा एक बाइक पर सवार दो अपराधी को रोकने का प्रयास किया और इसी क्रम में बाइक सवार अपराधियों ने उस पर गोली चला दी, जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज में करवाया जा रहा है। अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही कौसी रेंज के DIG शिवदीप लांडे भी मेडिकल कॉलेज पहुंचे हैं। उन्होंने घायल हुए PSI का हालचाल जाना और मनोबल भी बढ़ाया। जी बताइए, क्या घटना घटी? हम लोग सूचना पे मिला था, वहाँ गए थे, हमारे में मौके पर बाइक से दो लोग आए और बाइक को पाने का प्रयास किया, और मौके से लोग कितने लोग थे? वो लोग दो लोग थे, लगभग 22 साल लगभग बना हो। कितने बजे की घटना है? घटना करीब 8:30 बजे सुबह का है। बाइक का रिकवरी वहाँ से हो गया, बाकी दो लोग वहाँ से भाग गया। आप लोग कितने लोग थे? हम लोग वहाँ पे 4 लोग। कितना फायरिंग हुआ उधर? एक राउंड। क्या नाम हुआ आपका? सर, ड्यूटी के दौरान एक PSI का गोली लगी है, क्या कुछ बारे में बताना चाहिए? आज सुबह में सूचना मिली थी कुछ अपराध करने के बारे में, तो गिरफ्तार करने के लिए थाना डीएसपी द्वारा एक टीम के साथ में नेमुआ गांव के पास में एम्बुल किए हुए थे। सिविल में ही हमारी पुलिस टीम थी, इसी बीच में करीब 9:45 के आसपास में एक बाइक पे दो लड़के आते हुए थे, उसको रोकने का इशारा किया गया, परंतु रुका नहीं, तो हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा उसको वर्कआउट करने कोशिश किया गया, उसको मोटरसाइकिल छोड़ करके वो कूद गया और कूदने के बाद में एक गोली फायर कर दिया, जो हमारे PSI पप्पू कुमार के दाहिने बांह में जा करके गोली फंस गई। मेडिकल कॉलेज मधेपुरा में सर्जरी हुआ है और गोली निकाल दी गई है, वो बिल्कुल बच्चे का मतलब है। क्या कुछ रणनीति रहेगी आज? आगे उसकी पहचान हम लोग से मोटरसाइकिल हमें मिल गई है और उस अपराध करने की भी पहचान हो गई है, जिसमें गोली चलाई है, तो हम लोग अविलंब उसकी गिरफ्तारी। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।